इंडोनेशिया में आए भूकंप के झटकों का असर इंदौर में भी दिखा। सराफा के एक्यूरेसी मशीन में हुए भूकंप के झटके कैद। 3 दिन के महाबंद का रैली से समापन। संजय सेतु पर भी दिया था धरना। मांगे नहीं माने जाने पर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी। उधर दुग्ध संघ ने ली हड़ताल वापस, बांटा दूध। जाहिदा परवेज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा शहला हत्याकांड में ध्रुव नारायण और विजय तरुण दोनों में से एक का है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, रहवासियों में भय, मालवा के लिए बताया खतरा। महापौर ने पेश किया 41 करोड़ के घाटे का बजट, कर्मचारियों का रखा ख्याल, विकास के भी दिखाए सब्ज बाग। और गर्मी ने दिखाए तेवर, पंखों से नहीं चल रहा काम, कूलर की बढ़ी मांग, हर कोई गर्मी से राहत पाने की जुगत में।